नाम बताओ। मेरा नाम सुधीर है जी। क्या लग रहा है? मैं अमन का ताऊ हूँ। आज कैसा लग रहा है जी? आज तो बहुत खुश हैं जी। कमाल हो गया। कमाल क्या जी, बहुत बढ़िया। देश के लिए मेडल लेके आया है और यही आस्तिक मेडल लेके आए। हमें तो उम्मीद थी जी गोल्ड मेडल की। चलो उसमें कुछ गलतियां हो जाए हैं और अगला भी पहलवान कुश्ती के लिए ही आता है और गलती पहलवान जो भी काम करता उसी से होती है। और ब्रॉन्ज मेडल आया है, इससे हम बहुत खुश हैं। देश के लिए मेडल लेके आया है, गर्व की बात है जी। और हमें इस बात का विश्वास है कि अगली बार ओलंपिक में फिर जाएगा, गोल्ड ही लेके आएगा। जिस तरह से उसके संघर्ष की कहानी शुरू होती है, हाँ जी, मात्र 10 साल की उम्र में 70 साल स्टेडियम में, हाँ जी, उनके पिताजी छोड़ के आते हैं, हाँ जी, फिर उनके माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है। बिल्कुल जी, बताइए कैसे? उनकी माता का जी एक वो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक से देहांत हो गया जी। उसके बाद भाई साहब ने भी कुछ खाना पीना, मैं घर वाले खाना दें उस टाइम तो बतावे नहीं, अब मैं खा लूँगा। अब खाना खुना कुछ खाता नहीं, कुत्ता ने खुला दे नहीं, वो बीमार सा हो गया। 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया जी। रोहतक ले गया, फिर रोहतक से इशारे जिंदल में रहा जी कई दिन एडमिट, फिर वहीं एक्सपायर हो गया। हाँ जी, उसके बाद जी जब अमन की उम्र उस टाइम में जी 10 साल की थी और जो हमारी बेटी है छोटी अमन से 2 साल छोटी, वो 8 साल की थी जी। जो ओट बच्चा जी रो हैं जब हमारा कालजा तो पट पट के आ रहा था जी, वो दिन याद करा हाँ तो जी हमें अंदर से रोना उठ जाता है जी। बात नहीं कर पावा वो याद आ जाए जी। आज सारे दुख, आज बहुत खुशी की बात है जी, हमारा बेटा ने वो दुख सब बुला दिए और वो बुला के ही इस उनकी इच्छा पूरी करने खातर हमारा बेटा ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। अगर भाई माँ बाप ने काड़ा में छोड़ दिया था तो उनके लिए मेडल लेके ही आऊँ, जिससे उनको आत्मा को भी शांति मिले और देश का नाम रोशन हो। कैसी तैयारियाँ होंगी? बहुत ज़्यादा तैयारी थी, दिन रात एक कर रखी थी। वो आएंगे जी, बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे जी, खूब स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। आएगा जब स्टेडियम में और एयरपोर्ट पर आएगा, वहीं पर जाते हैं जी हम हर बार। जब भी मेडल लेके आता है एयरपोर्ट पर जाते हैं हर बार। हरियाणा के झज्जर जिले का ये बहरोर गांव है और इसी गांव से, इस घर से मात्र 10 साल की उम्र में निकला था अमन सहरावत, जिसने आज ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि 10 साल की छोटी उम्र में उसके कहानी शुरू होती है और वो संघर्ष आज सुखद परिणाम में परिवर्तित हो गया जब अमन सहरावत ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको उम्मीद है कि अब ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आगे अमन सहरावत गोल्ड भी जीतेगा और उनके आने पर बहुत बड़ा स्वागत किया जाएगा। न्यूज़ 24 के लिए अमन सहरावत के गांव बहरोर से मैं देवेंद्र शर्मा।